ही बता सकता है क्योंकि इतने साल हो गए हमें बीएड की काउंसलिंग करते हुए, गाइड करते हुए, और डिटेल नॉलेज जो है कि कैसे आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो इस वक्त अगर आप थोड़ी सी केयर से सब्जेक्ट की चॉइस बनाते हो और फिल करते हो तो आप जॉब अवेलेबिलिटी, जॉब अवेल बेटर कर सकते हो। तो आपने किन मेन बातों का ध्यान रखना है इस वीडियो में, ये बात करूंगा बड़े ब्रीफ में। मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हाइल मेकिंग चॉइसेस ऑफ कॉलेजेस एंड सब्जेक्ट्स मेजर एंड माइनर, सबसे पहली बात है डोंट हरी, इतनी तेजी मत कीजिए, अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए क्योंकि टाइम इतना है आपके पास। अभी तक आपके पास जितने दिन है 2-4 दिन लीजिए, एनालिसिस कीजिए, और एनालिसिस करने के बाद नंबर 2 पर लिस्ट बनाइए और उसको राइट कीजिए, पेपर पर लिखिए, बातें मत करते करते रहिए। जब आप पेपर पर लिखते हो और 1 दिन बाद 2 घंटे बाद किसी से डिस्कशन करने के बाद उसको दोबारा देखते हो तो आपके माइंड में चेंज आएगा। कारण क्या है कि आपकी प्रेफरेंस आपसे फाइनल नहीं हो रही, एक ही प्रॉब्लम है कि आपने कॉलेज प्रेफर करना है, सब्जेक्ट प्रेफर करना है, फीस कम जहां है वो प्रेफर करना है, लोकेशन प्रेफर करनी है, तो ये दूसरा हर हालत में एलिजिबल होना है, दैट इज व्हाई लिखें लिखें लिखें, सेकंड पॉइंट था। हाँ, जब आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो 3 ईयर वाला सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए। कई सब्जेक्ट हैं आपने 1 साल पढ़े हैं, कई हैं 2 साल पढ़े हैं, कई है 3 साल पढ़े हैं, तो 3 साल वाले जो सब्जेक्ट है उनको प्रेफर कीजिए। लेकिन ये अकेली जो है प्रेफरेंस काफी नहीं है। दूसरी चौथी जो चौथा पॉइंट है इसमें कि वो 3 साल आपके इलेक्टिव वाला सब्जेक्ट हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जब आप लेने जाओगे, कोई भी इंडिया में गवर्नमेंट जॉब टीचिंग की लेने जाओगे, वो कहेंगे 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और वो इलेक्टिव सब्जेक्ट चाहिए। ठीक, 3 साल वाला इलेक्टिव सब्जेक्ट ही प्रेफर करना है। आप उसकी बीएससी मेडिकल की, नॉन मेडिकल की, बीए की एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री जो है 3 साल पढ़ी है, ये भी 3 साल, तीन साल है ना पढ़ी है, ये इधर इलेक्टिव इंग्लिश 3 साल पढ़ी है, तो ये आपको प्रेफर करने चाहिए। इसका दूसरा मतलब बड़ा आसान है कि जनरल पंजाबी, जनरल इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उनको मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए, उन लोगों को यूज करना चाहिए जो लोग एलिजिबिलिटी जिनकी 3 साल वाले जो इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़े हैं वो उन पर बनती नहीं है। नॉर्मली जिन्होंने स्कूल सब्जेक्ट नहीं पढ़े, कोई और सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं लेकिन एक सब्जेक्ट स्कूल का है उसके बेस पर, और जनरल पंजाबी या जनरल इंग्लिश या हिंदी के बेस पर उनका कॉम्बिनेशन बनता है, ये सिर्फ उनके लिए यहाँ पर जाना बनता है, बाकियों के लिए यहीं पर रहना बनता है। एक और दूसरी बात है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये है कि इलेक्टिव का मीनिंग क्या है। आप ये समझ रहे हो, यहाँ इलेक्टिव का मीनिंग समझ लेना चाहिए। इलेक्टिव का मीनिंग आपने जनरल के ओपोजिट में लेना है। आप जनरली जनरल इंग्लिश जैसे पंजाब में, और जनरल पंजाबी या किसी और स्टेट में जनरल हिंदी भी मान लो होती है ना, तो आपने यहां पर हम लिखते नहीं है कि इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस, ये नहीं लिखते, इलेक्टिव हिस्ट्री नहीं लिखते, लेकिन ये आपने चूज किए हैं। ठीक है, हम हाँ इलेक्टिव इंग्लिश लिखते हैं। तो ये जो आपके बेशक आपके नॉन मेडिकल के, मेडिकल के हैं जो चूज किए हैं, जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनको इलेक्टिव बोला जा रहा है, उन पर बेस आपका बनना चाहिए बीएड का, क्योंकि जॉब उसके बेस पर बनेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डोंट प्रेफर जनरल सब्जेक्ट, ये बात हो गई है। सिक्स्थ पॉइंट है कि टीजीटी वर्सेज पीजीटी में कौन सा ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। टीजीटी को ज्यादा प्रेफर कीजिए अगर आप चाहते हो कि जॉब्स मोर अवेलेबल जो है किसमें है, टीजीटी में। टीजीटी क्या है कि जिसने 6th से 10th तक टीच करना है तो ये जॉब्स बहुत होती हैं। पीजीटी की जॉब्स बहुत कम होती हैं जिन्होंने 11वीं और 12वीं कक्षा को पढ़ाना है।
मान लीजिए अगर 1000 पोस्ट निकलती हैं वो टीजीटी साइंस की निकलती हैं, तो लाइफ साइंस की, फिजिकल साइंस की है ना एक की, वो सारी 20 से 50 तक के करीब होगी, बहुत कम, इससे भी कई बार कम होती है। तो ये कंपैरिजन है, दैट इज व्हाई टीजीटी प्रेफर कीजिए अगर आप जल्दी लगना चाहते हो, जल्दी एलिजिबल गवर्नमेंट जॉब के लिए होना चाहते हो। टीजीटी का क्या है कि आपका ग्रेजुएट जी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आपके ग्रेजुएशन का बेस बनना चाहिए, पीजीटी पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का बेस बनता है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो टीजीटी में फायदा हो सकता है, लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की तो आप पीजीटी वाले टीचर बन रहे हो, स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर ले रहे हो तो आप रॉन्ग हो। स्पेसिफिक सब्जेक्ट मीन ये पीजीटी का कौन सा सब्जेक्ट बीएड में बन रहा है, जैसे टीचिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जैसे टीचिंग ऑफ हिस्ट्री है ना, जैसे टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, ये वाले जो सब्जेक्ट ऐसे बनते हैं स्पेसिफिक, ये वाले पीजीटी के ही बनते हैं। तो आपने पीजीटी कौन से जो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस, बायो एंड फिजिक्स या केमिस्ट्री, दोनों सब्जेक्ट को प्लस करके बन रहा है साइंस। आप साइंस को जैसे प्रेफर करना है, इधर पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, इनको अलग अलग प्रेफर करने की बजाय आप एसएसटी को प्रेफर कीजिए, ये इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। दीज आर द बेस्ट एग्जांपल। तो ये मैंने क्या कहा कि आपने टीजीटी को प्रेफर करना है, मतलब अगर आपके पास दो सोशल साइंस है तो एसएसटी को प्रेफर कीजिए, अगर आपके पास दो साइंसेज पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन में तो आप साइंस लीजिए बजाय के टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस। ये उनके लिए नहीं है जिनका पैशन पीजीटी बनना है, उनकी प्रेफरेंस बदल जाएगी। ये नॉर्मल गाइडेंस है, नॉर्मल कॉमन, अगर आप नॉर्मल से डेविएटेड हो देन आपकी ये गाइडेंस भी बदल जाएगी। नेक्स्ट है फीस वर्सेस सब्जेक्ट, बेस्ट सब्जेक्ट। कई बार होता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज या ऐसे प्राइवेट कॉलेज में जो कम फीस में कर रहा है, उनकी सीट्स नहीं फिल होती, उन्होंने बहुत कम कर लिया, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, ऐसे मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल फीस कम वाले में आपको लाइफ साइंस मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हाँ, जहां आपको पॉलिटिकल साइंस मिल रहा है ना, एसएसटी नहीं मिल रहा, सीट नहीं बची, तो आप मेरे ख्याल में आप सब्जेक्ट को प्रेफर कीजिए। मतलब आप जो पीछे बात करके आए हो, एसएसटी जिस कॉलेज में मिल रही है बेशक वहां थोड़ी फीस ज्यादा है वो लीजिए, साइंस जहां मिल रही है बेशक फीस ज्यादा है उसको प्रेफर कीजिए। कई बार लड़कियों को प्रॉब्लम आती है डिस्टेंस की, लोकेशन की है ना, और बेस्ट सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नहीं, आप लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज कीजिए, बेस्ट सब्जेक्ट से नहीं कीजिए, क्योंकि बीएड का जब आपके दो साल हो जाएंगे पूरी हो जाएगी, उसके बाद अगर आपने सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, थोड़े तंग होके दूर होके आपने बीएड कर ली है, तो आप जॉब एलिजिबिलिटी के लिए एकदम तैयार हो बीएड के बाद, अदरवाइज आपको तैयारी के लिए टाइम लगेगा। अटेंडिंग वर्सेस नॉन अटेंडिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल प्रेफरिंग नॉन अटेंडिंग है ना, तो ये टर्म एक कैंसर है, एक रोग है, एक सिस्टम का बेड़ा गर्क है जो हो चुका है, अभी तक कानों कान खबर सबको है, पता सबको है, करना कोई नहीं चाहता। तो इस बार ड्यू टू स्टेट गवर्नमेंट, ड्यू टू यूनिवर्सिटीज, ड्यू टू एनसीटीई इंस्पेक्शंस होनी है, और उसमें उन बच्चों को खतरा रहेगा जो कहीं जॉब कर रहे हैं, जहां रेगुलर एब्सेंट रह रहे हैं और कॉलेज ने मैचिंग की हुई है, तो प्रोबेबिलिटी है कि उनके चांसेस के वो फंस सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी पक्का है। दैट इज व्हाई ये सोच के चलिए कि अटेंडिंग करनी है। हाँ, यहां पर किसी बच्चे की, छोटा बच्चा है जी, उसकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो अगर कोई कॉलेज एडजस्ट करता है तो अलग बात है, मतलब जीरो अटेंडेंस को खत्म कीजिए। एजुकेशन एक तरफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की क्या, कितना, मतलब इतने बड़े बड़े शब्द, इतने आइडियल, तो दूसरी तरफ बच्चे ही आ रहे यार, सारे इंडिया को पता है, और मतलब प्लीज इसको भी अटेंड कीजिए, इस बार चेंज की संभावना है। और कई कॉलेजेस जैसे कई एजेंट सिस्टम था जिसमें कुछ वो इकट्ठी कोई ऐसे है ना कर लेते थे एडमिशन,
वो नॉन अटेंडिंग ही ज्यादा करवाते थे, लेकिन इस बार कई कॉलेजेस ने वो एजेंट से भी सीधी कोई भी ऐसी नहीं ली एडमिशन। कारण ये है कि वो उन्होंने स्टेप लिए हुए हैं। 17 कॉलेजेस की इंस्पेक्शन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हुई थी, उनकी एडमिशन प्रोसीजर भी रुक गया था। उन्होंने मतलब सब कुछ ये अब कमिटमेंट की है कि हम कोई भी कॉलेज ये है ये जो नॉन अटेंडिंग वाली माल प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे। तो दैट इज वाई आप ये मन में रखिए कि अटेंडिंग बीएड को ही प्रेफर करना है। यू कैन फिल मोर कॉम्बिनेशन इन वन कॉलेज। आप एक कॉलेज में, दूसरे वीडियो में बताया है, एक कॉलेज है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, मेरा पहला कॉम्बिनेशन ये बनता है, मान लीजिए SST और इंग्लिश बना है ना, दूसरा ये तो होएगा नहीं, माइनर नहीं भर फिल करना। दूसरे पर आपका बन रहा है कि मैंने पॉलिटिकल साइंस प्रेफर की है, तीसरे पर मैंने जी हिस्ट्री प्रेफर की है, चौथे पर मैंने, है ना, एक में तीन या तीन से ज्यादा भी बनते हैं वो फिल कर सकते हो, जिससे आप एक कॉलेज ही चल रहा है लेकिन सब्जेक्ट बदल रहे हैं। दूसरा क्या है कि आपके सब्जेक्ट नहीं आप बदल रहे, आप वन सब्जेक्ट पर फोकस्ड हो, यार मैंने SST ही लेना है, ठीक है SST पर फोकस है, लेकिन कॉलेज नंबर वन SST, कॉलेज नंबर टू SST, कॉलेज नंबर थ्री SST, तो ये दोनों ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है नो कंपल्सरी टू फिल 10, ये किसी ने क्वेश्चन भी पूछा है, 10 के 10 फिल करने जरूरी नहीं है, उन्होंने लिखा है कैन बी फिल्ड, कैन लिखा है, तो ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर इंस्ट्रक्शन आती है कंपलसरी की तो बता दूंगा। हाँ, ये अगर 10 पर फिल करते हो आपको ये पता चल जाता है मुझे सीट कहां तक मिलेगी, तो कई बार अलॉट भी नहीं होती अगर आप कम फिल करते हो, बाकी डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और रैंक कितना है। अच्छा, शिफ्टिंग होती है कि नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, पर हाँ 1000 रुपया मन में जरूर रखिए कि यूनिवर्सिटी लेगी, शायद 1000 रुपया कॉलेज भी लेगा, ये पॉसिबल है, ये वैसे पिछले सालों में रूल रहा है, इवन 2000 में आपको शिफ्टिंग पड़ सकती है। आपने सिर्फ मेजर सब्जेक्ट फिल करने हैं, माइनर आपको कॉलेजेस ने देने हैं। तो आपने ये बात यहां क्यों पॉइंट लिखा है, आपने पहले माइनर सब्जेक्ट उस कॉलेज में देख लेने हैं कि क्या वो माइनर सब्जेक्ट अवेलेबल है जिसको मैं चाहता हूं। ये मैंने पिछले वीडियो में बातें बताई हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कॉलेज में ये चाहते हो कि वहां पर मुझे साइंस के साथ लाइफ साइंस मिल जाए, है ना, जहां मैथ्स मिल जाए, तो क्या मैथ्स वहां अवेलेबल है माइनर में, साइंस के साथ मैथ अवेलेबल है? अगर नहीं है तो नेचुरली है उस कॉलेज को आपको अवॉइड करना होगा। अगर अवेलेबल है, सिर्फ आपने देखना है, वहां अवेलेबल है वो दे देंगे, सभी कॉलेज दे देंगे अवेलेबल है, उसके नंबर ऑफ सीट्स नहीं ऐसी होती, वो जितने मर्जी रख सकते हैं। तो माइनर की आपने हर हालत में देख लेनी है कि किस कॉलेज में कौन से माइनर सब्जेक्ट अवेलेबल है और आपका बेस्ट कौन सा बनता है। तो ये थे कॉमन पॉइंट्स, इनको ध्यान में रखिए। बेस्ट विशेस डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज। कोई भी क्वेश्चन शंका हो पूछ सकते हो। थैंक यू।